चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और उसके बाद अनएनफोर्सेबल। रुको, अभी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप नोट लिखें। चलो और ये 5-6 लाइन है, ये 5-6 लाइन है कम से कम, ध्यान रखना। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नोट है, एज पर सेक्शन 23 बात करना बंद करिए। देखिए, एज पर सेक्शन 23 एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड if it objects or consideration, if it objects or consideration A is forbidden by law if an object or consideration is forbidden by law, dusra is of such a nature, well, the nature ka hai, that if permitted comma it would defeat the provisions of any law. Okay, or C is fraudulent because third point is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. चौथा है और इस fraudulent, पांचवा and ऐसा है चौथा नंबर D और involves और implies injury to the person और property of another or E number the court regard it as immoral or opposed to public policy. ये सब कुछ सेक्शन 23 में लिखा है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर होते हैं, उसकी खासियत क्या होती है, कब माना जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इलीगल होता है। तो इसमें ये 5 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एज पर सेक्शन 23 एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड, इलीगल भी है और क्या है, वॉइड भी है, यानी सारे इलीगल क्या होंगे, वॉइड होंगे। इफ इट ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है या कंसीडरेशन जो है इज फॉरबिडन बाय लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, मना किया गया कि मत करो ये काम। ओके बोलो, क्या इलीगली आप गन रख सकते हैं अपने पास, नहीं। क्या उस गन को बेच सकते हैं इलीगली आप किसी और को, नहीं। क्या आप बम बना सकते हैं, नहीं। ये सब क्या है, इलीगल है, फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड, अगर इसका परमिशन दिया गया दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, तो उससे किसी ना किसी लॉ के प्रोविजन का क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन होगा अगर परमिशन दिया गया तो। तीसरा, एक फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करना किसी के भी साथ, वो भी इलीगल माना जाता है। क्या करना, फ्रॉड करना।
उसके बाद इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दूसरे पर्सन को इंजरी होगी, जैसे किसी के हाथ पैर तोड़ने का एग्रीमेंट करना, इसको जान से मारने का एग्रीमेंट करना, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट करना, ये सब यहाँ पर क्या है, इलीगल है। और लास्ट, द कोर्ट रिगार्डेड दैट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी भी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई भी इमोरल एक्टिविटी करना या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिससे जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो सब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट। हेलो, क्वेश्चन नंबर 7, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस। एग्जाम में या तो आपको बोलेगा व्हाट इज इलीगल एग्रीमेंट, उसको डिफाइन करो 4 मार्क्स, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, या फिर पूछेगा डिफाइन इलीगल एग्रीमेंट और उसके बाद बोलेगा डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड, तब आपको ये भी लिखना पड़ेगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ एम्प्लॉयड, जो लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल ना हो, वॉइड कहेंगे, द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच एन एग्रीमेंट मे बी कंसीडर्ड एज क्या वॉइड एग्रीमेंट। वन ऑफ दीज फैक्टर इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है या कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, तो वैसे केस में वो तो इलीगल बन जाता है, दैट इज इलीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मेक्स इट वॉइड। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो जिसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस ना हो वॉइड है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन वो यहाँ कवर हो जाए, फॉरबिडन बाय लॉ या फिर फ्रॉडुलेंट, या फिर अलाउ करेंगे कि लॉ के प्रेजेंस को डिफीट करेंगे, या फिर उससे इंजूरी होगी किसी पर्सन या प्रॉपर्टी की, या इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इन सारे केसेस में वही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, इलीगल। क्लियर है पॉइंट, आगे देखो आप। तो डिफरेंस देखते हैं क्या है, द इलीगल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट। ए, स्कोप, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, हाउएवर ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। डिस्पाइट दिस There is similarity between illegal and void agreement that in both cases ये शुरू से void होता है और इसका कोई legal consequence नहीं होता, दोनों ही void है और दोनों का ही कोई legal consequence नहीं है। Okay, next, nature and character. Illegal agreements are void since the very beginning they are invariably described as void ab initio. मतलब illegal agreement ना शुरू से illegal होते हैं। कब से लीगल होते हैं? शुरू से। As already emphasized under the scope, a contract by nature which is valid can subsequently change its character. जबकि void agreement क्या है? जरूरी नहीं कि शुरू से void हो। वो हो सकता है शुरू से valid हो, बाद में void बने। हो सकता है वो शुरू से voidable हो और बाद में void बने। या हो सकता है शुरू से void है और बाद में भी void है। ये भी हो सकता है। जबकि illegal agreement के साथ एक ही जवाब है। शुरू से क्या है वो? Void है। शुरू से void है। क्लियर? इफेक्ट ऑन कोलेट्रल ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, कोलेट्रल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन, समझ गए? तो इन केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इवन द कोलेट्रल ट्रांजैक्शन नेमली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टू बी कंप्लाइड विद बिफोर और आफ्टर और कंकरेंटली अलोंग विद द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के पहले, मेन कॉन्ट्रैक्ट के बाद या मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलेगा, साथ में चलेगा। क्लियर है? कोलेट्रल जरूरी है कि बाद में हो, कोलेट्रल पहले भी हो सकता है, साथ में भी चल सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो आगे देखो, इन कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ वॉलेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया यहां पर, द कोलेट्रल ट्रांजैक्शन कैन बी इनफोर्सिबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मेन कॉन्ट्रैक्ट मे हैव बिकम वॉलेबल। वॉलेबल के साथ साथ वॉइड भी पढ़ सकते हैं, कि मतलब अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, लेकिन कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वैलिड हो सकता है इन केस ऑफ वॉइड। मेन कॉन्ट्रैक्ट भले वॉइड है पर कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? वैलिड हो सकते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ कोलेट्रल ट्रांजैक्शन आर केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मड इंडिपेंडेंटली, अगर वो कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने लायक पोजिशन में है तो। क्लियर? आगे देखो, पेनल्टी ऑफ, रुको रुको,
अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो सुन सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान का सपोज मैच चल रहा है रांची में, और एक्स ऑफ रांची एग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख टू बाय इफ इंडिया विन, बेटिंग हो गया आपस में। एक्स ऑफ रांची एग्री कर रहा है 1 लाख रुपए वाई को देने के लिए, अगर कौन जीतेगा? इंडिया। द मैच इज वॉन बाय इंडिया एंड इन ऑर्डर टू पे वाई एक्स बोरोड 1 लाख फ्रॉम जेड, 1 लाख हार गया एक्स, तो उसने 1 लाख रुपए किसको देने के लिए? वाई को देने के लिए जेड से क्या किया? बोरो किया। फुल अवेयर ऑफ द पर्पस, जेड को पता था कि ये मामला किस चीज का है, समझ गया? अब बताओ एग्रीमेंट बिटवीन एक्स और वाई क्या वाइड वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। बेटिंग अलाउड है क्या? नहीं। तो ये तो क्या वॉइड, वॉइड मतलब वॉइड की इलीगल, ये बताओ इलीगल है ये, इसे वॉइड नहीं है। बेटिंग करना क्या होता है? अब आगे सुनो, एंड इज ऑल्सो इलीगल इन रांची, मतलब बेटिंग जो है एग्रीमेंट रांची में भी क्या है, क्या बोलेंगे इंडिया में क्या है? इलीगल है, अलाउड नहीं है। एग्रीमेंट मतलब सुनो, अगर आप मान लो पकड़े गए कि जैसे आपका काम क्या है, बेटिंग कराना, आप लोगों से पैसे लेते हो, बेटिंग कराते हैं, कोई फेवर में लगाता है, कोई अगेंस्ट में लगाता है, अलग अलग तरह के, और आप पैसे लेते हो, फिर जो जीतता है उसको देते हो, राइट? तो आपको अगर पकड़े गए ना, आप तो जेल जाएंगे सीधा, क्योंकि इंडिया में अलाउड नहीं है। आगे द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड जेड बीइंग कोलैटरल एग्रीमेंट, बताओ ये वॉइड होगा कि वैलिड होगा? पहला वाला एग्रीमेंट क्या है, इलीगल या वॉइड? पहले बताओ इलीगल। बेटिंग अलाउड है इंडिया में? नहीं। तो एक्स और वाई के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो कौन सा एग्रीमेंट है? इलीगल। इलीगल मतलब वॉइड है। लेकिन आगे, अब एक्स ने 1 लाख रुपए जो हार गया था उसके लिए जेड के साथ लोन लेने का एग्रीमेंट किया, जेड को इस बारे में पता था कि कितनी वो ले रहा है 1 लाख, हाँ, तो बताओ एक्स और जेड का एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, इलीगल है, क्या होगा? तो इलीगल नहीं है, फिनेंस करना कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन ये वॉइड है क्योंकि पहला वाला एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? इलीगल। इलीगल से जुड़ा हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। क्लियर हुआ अभी? तो जवाब है द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड जेड बीइंग कोलैटरल एग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड बिकॉज़ द मेन एग्रीमेंट इज बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल। ओके, तो लिख लेने में भलाई है, नहीं तो बाद में फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो 5-6 लाइन है, कहाँ लिखोगे आप देख लो, मैंने कहा था इसीलिए एक छोटा सा कॉपी रखना, पेज नंबर लिखना, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। तो लिखो एग्जांपल ऑफ कोलैटरल एग्रीमेंट, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा, एग्जांपल ऑफ कोलैटरल एग्रीमेंट लिखो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग टेस्ट मैच इन रांची, इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग टेस्ट मैच इन रांची, लिखा एक्स ऑफ रांची एग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख टू वाई, एक्स ऑफ रांची एग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख टू वाई इन इंडिया में, if India win, full stop, the match is won by India and in order to pay by in order to pay y, comma x borrowed rupees 1 lakh from z, x borrowed rupees 1 lakh from z, comma who is aware of the purpose, who is aware of the purpose, full stop, अब देखो द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज वॉइड द
the agreement between X and Y void being या as betting agreement are illegal in India? The agreement between X and Y is void as betting agreement, as betting agreements are illegal in India. Full stop. The agreement between X and Z, the agreement between X and Z being collateral agreement, the agreement between X and Z being collateral agreement is also void. The agreement between X and Z being collateral agreement is also void because the main agreement between X and Y is illegal. Because the main agreement, फिर से लिखा रहा हूँ, the agreement between X and Z being collateral agreement is also void because the main agreement between X and Y is illegal. हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अच्छा, पता है क्या एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इसको खुद से पढ़ना शुरू करेंगे पहले, तब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि आप क्या सोचते थे इंटरप्रिटेशन, और जब क्लास आपने किया तो उसमें क्या डिफरेंस आया पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका तो यहाँ पे ब्लैंक का सब कुछ, फिर आप केवल जो मैं बोलूंगा उस पर बिलीव करोगे, राइट? तो बेहतर होगा आप पहले एक बार पढ़कर आए घर से, फिर क्लास में पढ़े, और फिर क्लास के बाद घर जाकर फिर से पढ़े थ्योरी को. यही तरीका है. तो देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ पेनल्टी और पनिशमेंट में, सॉरी, ये वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस था. तो ऊपर देखो, इफेक्ट ऑफ इलीगल कोलेटरल ट्रांजेक्शन पढ़ चुके हम लोग. चौथा पॉइंट था पेनल्टी या पनिशमेंट. इलीगल एग्रीमेंट करोगे तो पेनल्टी या पनिशमेंट भी लगेगा, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट होगा तो उसमें पेनल्टी या पनिशमेंट के चांसेस कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है ना? लेकिन इलीगल में क्या होता है, पेनल्टी या पनिशमेंट होता है. तो देखो, इसको डिफरेंस को कैटेगराइज किया गया, इसको अवॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, जबकि ऑन एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज क्या, वॉइड नेचर, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ. लॉ के द्वारा मना नहीं किया गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रिक्टली लॉ में क्या है, मना किया गया, forbidden by law. Forbidden यानी prohibited by law. Punishment, parties are not liable for any punishment under the law. Void agreement होगा तो parties को punishment नहीं मिलेगा, लेकिन illegal होगा तो punishment मिलेगा. Collateral agreement, it is not necessary that agreement जो void agreement के साथ collateral है वो भी void हो, ये जरूरी नहीं है. लेकिन illegal agreement से जुड़े हुए सारे agreement क्या होते हैं, void होते हैं. लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं पुराने एग्जांपल को लूं तो अगर यहाँ पर रांची में जो टेस्ट मैच था क्रिकेट का, एक्स ने वाई के साथ बेटिंग किया, एक्स हार गया, एक्स ने जेड से लोन लिया, पर जेड को ये बात पता नहीं थी कि ये लोन क्यों ले रहा है. उसको बस इतना पता था कि उसको अपने कुछ पर्सनल पर्पस के लिए लोन चाहिए, उसने दे दिया. तो अब बताओ, यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है एक्स और जेड के बीच में, ये वैलिड है कि नहीं? Answer is yes, क्योंकि Z को इस मकसद के बारे में, तो Z की क्या गलती है, Z एक यहाँ पर innocent person है जिसने उसे पैसे दिए, clear हो रहा है? तब उस केस में इसको illegal नहीं माना जाएगा और ये valid होगा, okay? वापस आइए. अब last है, ये देखो, unenforceable contract मिला, कहाँ है? लेकिन कुछ कारण की वजह से ये अब अनइंफोर्सेबल है, मतलब उसको इंफोर्स
नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक चेक लिख कर दिया और वो चेक जो है वो 3 महीने का वैलिडिटी होता है चेक की डेट से, तो 3 महीने तक तो बिल्कुल जेन्युइन चेक है। अगर सामने वाला पार्टी उसे उस पीरियड के अंदर इनकैश नहीं कराता तो 3 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा चेक, और पुराने चेक को डालने पर बैंक उसका पैसा नहीं देगा तो वो अनइनफोर्सिएबल हो जाएगा ना। फिर पहले 3 महीने तक तो वो जिंदा चेक है, इनफोर्सिएबल है, समझ गए? या ऐसा समझो अभी कोई भी लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है, किसी भी पार्टी के पैसे वसूल करने हैं तो 3 साल के अंदर अंदर एक्शन ले लो, केस कर दो। अगर 3 साल तक आप साथ बैठे हुए थे, उससे पैसा मांगा भी नहीं, तो 3 साल के बाद आप लीगली उस पैसे को उससे वसूल नहीं कर सकते, लॉ ऑफ लिमिटेशन में लिखा है। तो इसका मतलब किसी को अगर हमने माल बेचा है तो उससे पैसे लेने का हक है, हाँ, लेकिन अगर 3 साल तक हम पैसे नहीं मांगते हैं तो उसके बाद वो अनइनफोर्सिएबल हो जाएगा, उसको मांगा नहीं जा सकता। तो फिर से देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एब्सेंट इन राइटिंग, सपोज वो राइटिंग में नहीं है या बार्ड बाय लिमिटेशन है, इस वजह से वो अनइनफोर्सिएबल हो गया, तो वन और बोथ ऑफ द पार्टीज कैन नॉट सी अपॉन इट, तो उसमें एक या अधिक पार्टी आपस में केस नहीं कर पाएंगे। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, अनइनफोर्सिएबल। क्लियर है? दो लाइन वहां पर और लिख लो, वहीं पर लिख लो, इन सम केसेस सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड if their technical defects are removed. In some cases, such contracts can be enforced if their technical defects are removed. Okay? Full stop. For example, the defect of understamping. The defect of under stamping, कम stamp लगाना, under stamping can be removed by fixing the right value of stamp. Can be removed by fixing the right value of stamp. ठीक है, फिर से, the defect of understamping can be removed by fixing the right value of stamp. मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कम वैल्यू का स्टैंप लगा हुआ है तो इस डिफेक्ट को सुधारा जा सकता है सही वैल्यू का स्टैंप लगा करके। तो इस केस में हम अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल हुआ, समझ गए? तो ये कंप्लीट हो गया अभी पहला हिस्सा। On the basis of क्या? Validity, कितने तरह के contract हैं? 5 valid contract, void, voidable, illegal or unenforceable. I hope आपको इन सब के बारे में और difference भी पता चल गया। Next है on the basis of formation of contract. On the basis of formation of contract. और इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया, पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और आखिरी है इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो एक और नहीं है उसके बारे में बताऊंगा अभी ये चार ही है ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को चार कैटेगरीज में क्या किया गया डिवाइड किया गया तो चलो शुरू करते हैं पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड और इन राइटिंग अगर उसके टर्म्स कंडीशंस को क्या किया गया
एक्सप्रेस किया गया है या तो बोलकर या लिखकर, ठीक है ना। आगे सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो अगर बोल रहा है सेक्शन 9 में लिखा है कि अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड और द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, मतलब माना जाएगा आपने एक्सप्रेस किया। एग्जाम्पल, A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs and B is replying from A that he accepts the offer. There is an, this is an express contract. अब सुनो, telephone की जगह समझ लो mobile है, ठीक है ना। mobile record होता भी है कि नहीं? Yes, आप call को record कर सकते हैं। हाँ, तो A ने B को mobile में बात की और बोला कि मैं अपना घर तो मैं बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, क्या तुम खरीदोगे? बी ने जवाब में कहा हाँ। बी ने ए को फोन में क्या बोला? हाँ ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इसे हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस किया जा सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये इम्प्लाइड वर्ड का मतलब हुआ एक्सप्रेस करके? नहीं। तो लिखता है यहाँ पर इम्प्लाइड का मतलब है नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड और राइटिंग, मतलब जिसको हम वर्ड या राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है देखो आगे, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एक्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, वो इम्प्लीकेशन से जन्म लेता है। इम्प्लीकेशन यानी एक्टिविटी से, एक्शन से जन्म लेता है। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन, और ये इंप्लीकेशन या तो लॉ से होता है या फिर एक्शन की वजह से। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कॉन्टेम्प्लेट सच इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट लेज डाउन दैट इन सो फार एज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड। हम इसको समझेंगे, देखना इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जाम्पल, वेयर ए कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरीड आउट of the railway station without being asked by him। रुको, ट्रेन से उतरना आता है, जैसा कि कूली कोच में जा जाते हैं चलती ट्रेन में और सामान उतारने लगते हैं, पैसेंजर का सामान उतार दिया, सामने वाले पर्सन ने मना नहीं किया, फिर वो उसका सामान उठाया सिर पे और ले जाने लगा और वो बंदा भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो वैसे केस में कूली ने क्या मांगा? पैसा मांगा। तो सामने वाले ने बोला कौन सा पैसा, हमारी तो कोई बात नहीं हुई थी, बोलो। तो अब बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं पहले बात? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं ये बताओ? देने पड़ेंगे कि नहीं भी देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल को थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है? हाँ, तुम नाम बोलो। ऋतिक रोशन। तो ओके, अगर ये वहां पर उस कुली की जगह होते और बिना बात किए आप सामान लेकर आ जाते कस्टमर का और फिर आप पैसे मांगते, बोलो कस्टमर देने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं? एग्जाम्पल सेम है, मैंने खाली बर्तन बदल दिया। क्या फर्क था? मैं फर्क भी बता देता हूँ। इन्होंने कूली का ड्रेस नहीं पहना हुआ या बैग नहीं लगाया हुआ था, लेकिन सामान लाया, ट्रेन में चढ़े, सामान उठाया, उसने अलाउ किया आप लेकर आ गए बाहर। तो बताओ पैसे मांगने के लिए एंटाइटल होंगे कि नहीं? बैठ जाओ, एंसर इज नो। क्योंकि पता है आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ये लगना भी चाहिए कि आपका ये काम है। तो अगर आप कूली जैसे लगते नहीं हो, मान लो लगते भी हो, लेकिन अगर आपने वो ड्रेस नहीं पहना, अगर ड्रेस नहीं पहना तो वैसे केस में सामने वाला पैसे देने के लिए एंटाइटल नहीं है। लेकिन अगर कूली का ड्रेस पहना हुआ, कूली का बैच होता है, आप देखेंगे तांबा का बैच होता है लगा हुआ रहता है, तो वो लगा हुआ है, वो लेकर आएगा, पैसा तो देना पड़ेगा। बाहर आ गए, ठीक है। एक ऑटो रिक्शा वाला ऑटो से आ रहा था बिष्टुपुर, आपको भी बिष्टुपुर आना था, तो बाहर आकर के आपने ऑटो को रोका, बैठ के आ गए बिष्टुपुर, तो उसको भाड़ा दे